एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा परफ्यूम कलेक्शन। और मेरा परफ्यूम कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेग्रेंस सेंसिटिव पर्सन हूँ और मुझे स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस वो पसंद नहीं है, उससे मुझे हेडेक होने लगता है। तो मैंने बहुत ही सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं परफ्यूम्स में, डीओज में और बॉडी मिस्ट में, और जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मैं स्किन केयर रिलेटेड, स्किन केयर प्रोडक्ट्स रिव्यू रिलेटेड, मेकअप रिलेटेड और हॉल रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। तो अगर आपको इनमें से कोई भी टाइप के वीडियोस देखने में इंटरेस्ट हो तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को भी हिट कर दो, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द। मेरे परफ्यूम कलेक्शन में सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ अंडरआर्म रोल-ऑन से। तो वैसे तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अंडरआर्म रोल-ऑन्स अवेलेबल है अलग अलग ब्रांड्स के, अलग अलग वेरिएंट्स के, लेकिन मैं पर्सनली जो दो ब्रांड्स के वेरिएंट जो पसंद करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास सबसे पहला जो है वो है नीविया का नेचुरली गुड डिओड्रेंट बायो ग्रीन टी रोल ऑन। ये बहुत ही अच्छा, इसकी फ्रेग्रेंस एक ग्रीन टी की जो नेचुरल फ्रेग्रेंस आती है, बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है और काफ़ी अच्छा ये लास्ट करता है बॉडी पे। एज अ डिओड्रेंट ये 5 to 6 आवर्स अच्छे से आराम से अपने अंडर आर्म्स में लास्ट करता है और बहुत ही अच्छा एक फ्रेश फील देता है। तो सबसे पहले ये जो है ये मेरा फेवरेट है। इसका MRP है 250 रुपीज़, लेकिन आपको ये ऑलवेज डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हो अगर आप बाय करना चाहते हो। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी दे दूंगी। और दूसरा जो है वो है नीविया का डीओ मिल्क ब्यूटी एक्सिलर फ्रेश वेरिएंट में है ये। इसका MRP 225 रुपीज़ है और ये एक मिल्की कंसिस्टेंसी में आता है और इसकी फ्रेग्रेंस एकदम फ्रेश और एकदम नेचुरल, एकदम अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस आती है, बिल्कुल भी माइंड को, हेडेक को ट्रिगर नहीं करती है। तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और रोल ऑन के बाद अब हम बात कर लेते हैं मिस्ट की। तो मिस्ट में मेरे पास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये मैंने मिस्ट में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट परचेज किया है, जो कि है बॉडी क्यूपिड का बॉडी मिस्ट, और ये कुकुम्बर और मेलन फ्लेवर में है। ये काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग, स्पेशली समर सीजन में अगर आप परफ्यूम लगाना नहीं चाहते हो या डीओ रोल ऑन लगाना नहीं चाहते हो और जस्ट एक मिस्ट अपने पास रखना चाहते हो, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसका MRP 299 रुपीज़ है, लेकिन आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस पर अगेन मिल जाएगा। ये इसका आउटर बॉक्स है और ये इसका इनर पैकेजिंग है, प्लास्टिक पैकेजिंग है, और इसका मिस्ट जैसे कि आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। इसका मिस्ट भी काफ़ी फाइन है, तो ये बॉडी मिस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैं आप लोगों को भी रेकमेंड करूँगी कि अगर आप एकदम फ्रेश फील होना चाहते हो तो इसको हमेशा अपने पास रखो, अपने कबट में रखो। तो अब हो गया बॉडी मिस्ट की बात, और बॉडी मिस्ट के बाद अब आती है मेरी परफ्यूम की रेंज। तो यहाँ पर मेरे पास मेरे जो परफ्यूम कलेक्शन है उसमें मेरे पास टोटल 5 परफ्यूम्स है, और ये पाँचों के पाँचों परफ्यूम्स जो है वो बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस के साथ और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है। तो इनको मैं ऑर्डर वाइज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 5 to 1 के बीच में। तो 5 नंबर पर मेरे पास जो परफ्यूम है वो है बॉडी क्यूपिड का एक्वा वेव EDP परफ्यूम। ये 100 ml की बॉटल है, 100 ml की क्वांटिटी है। ये इसका आउटर बॉक्स है और ये इसका इनर पैकेजिंग ये है। अगर आपको बीची टाइप की फ्रेग्रेंस पसंद है तो आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली परचेज करो। ये काफ़ी अच्छा इसकी फ्रेग्रेंस आपको लगाने के बाद ऐसा लगेगा कि आप किसी बीच पर आकर बैठ गए हो ऐसा लगेगा, और काफ़ी माइल्ड इसकी फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल भी हेडेक को ट्रिगर नहीं करेगी। तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को रेकमेंड करूंगी कि ये काफ़ी अच्छा परफ्यूम है, तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई करो। अगर आपको माइग्रेन वगैरह भी है तो ये माइग्रेन को भी बिल्कुल ट्रिगर नहीं करेगी, और इसका जो फ्रेग्रेंस है वो आराम से 8 to 10 आवर्स बॉडी पर लास्ट करता है। और इसकी MRP है 899 रुपीज़, लेकिन ये आपको नायका पर, मैंने नायका से परचेज किया था, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, नायका पर इसको ये आपको अच्छे खासे डिस्काउंट में मिल जाएगा, तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो। नंबर पर मेरे पास जो परफ्यूम है वो है रैमसन्स का यू आर लवली EDP परफ्यूम। ये 30 ml की बॉटल है और ये इसकी इनर पैकेजिंग है, ग्लास बॉटल है, और ये इसकी आउटर पैकेजिंग है। जैसे कि आप देख सकते हो बेसिक सी इसकी पैकेजिंग है। रैमसन्स के सारे ही परफ्यूम्स बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग, अल्ट्रा अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छे आते हैं।
इसका फ्रेग्रेंस बॉडी पर आराम से 8 to 10 hours तक लास्ट करता है। गर्ल्स के लिए काफी ज्यादा सुटेबल परफ्यूम है, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगी। अगेन ये काफी सारे फ्लावर्स को मिक्स कर इसका फ्रेग्रेंस बनता है, लेकिन ये बिल्कुल भी मूड को या माइग्रेन को ट्रिगर नहीं करता है, तो आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हो। इसका MRP ओनली 145 rupees है और काफी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली रेकमेंड करूंगी कि आप इसको भी परचेज कर ट्राई। मेरा जो थर्ड नंबर पर परफ्यूम आता है वो है रेमसन्स का एक्सोटिका EDP परफ्यूम। आप देख सकते हो इसकी इनर पैकेजिंग काफी ज्यादा लग्जूरियस और काफी अच्छी पैकेजिंग है इसकी, और ये है इसकी आउटर पैकेजिंग, आउटर बॉक्स, ये एक नॉर्मल आउटर बॉक्स है, तो ये भी काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, फ्रूटी फ्लोरली मिक्स फ्रेग्रेंस है इसकी, लेकिन बिल्कुल भी माइग्रेन को या हेडेक को ट्रिगर नहीं करती है। इसकी फ्रेग्रेंस भी आराम से 10 टू 12 आवर्स बॉडी पर लास्ट करती है, और इसकी MRP जो है वो 549 rupees है, लेकिन मैंने इसे भी नायका से परचेज किया था, तो अल्ट्रा अफोर्डेबल प्राइजिंग पे मुझे मिल गया था ये। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और इनफैक्ट ये अभी मेरे हस्बैंड यूज़ कर रहे हैं, मैं इसे यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं दूसरा जो मेरा मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है मैं उसे ही रेगुलरली यूज़ करती हूँ। तो ये भी मैं आप लोगों को डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी कि आप अफोर्डेबल रेंज में अगर कोई लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम पसंद करते हो तो ये डेफिनेटली ट्राई करो। ये यूनिसेक्स है, कोई भी मैन या वुमेन दोनों में से कोई भी इसे लगा सकता है। तो ये है मेरा थर्ड नंबर का परफ्यूम। और सेकंड नंबर पर जिस परफ्यूम को मैं रेट करना चाहूंगी वो एक्चुअली सेकंड नंबर पर रेट करने के लायक नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि मैं 5 to 1 के बीच में रेट करूंगी, तो मैं इससे सेकंड नंबर पर रखना चाहूंगी, क्योंकि इससे जो इससे भी ज्यादा जो फेवरेट है मेरा वो मैं फर्स्ट नंबर पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, और ये है प्लम का बॉडी लविंग EDP फीलिंग सो रोज परफ्यूम। अब जहां पर प्लम की बात आती है वहां पर एक बार भी मैं उसके प्रोडक्ट्स को ट्राई करने के लिए नहीं सोचती हूँ, और इसी के चलते मैंने इसकी जो ये छोटी सी पैकेजिंग वाली बॉटल है परफ्यूम की वो मैंने परचेज की थी, और ये इसका MRP 259 rupees है, और यहाँ पर आपको देख सकते हो कि इसकी छोटी सी 15 ml की जो बॉटल है वो इस तरीके की दिखती है, बिल्कुल बेसिक सी इसकी पैकेजिंग है, लेकिन ये परफ्यूम प्लम के सारे ही परफ्यूम bomb.com है। आप इसको लगाने के बाद आप कपड़ों को वॉश कर लोगे फिर भी इसकी फ्रेग्रेंस नहीं जाएगी, ये मैं आप लोगों को गारंटी के साथ बोलना चाहती हूँ। और इसकी फ्रेग्रेंस इतनी माइल्ड, काफ़ी फ्रूट फ्लोरली सी इसकी फ्रेग्रेंस है, जैसे कि इसका नाम है कि फीलिंग सो रोज, तो एकदम रोजी फ्रेग्रेंस है, लेकिन बिल्कुल भी माइग्रेन को या हेडेक को ट्रिगर नहीं करती है, एकदम लॉन्ग लास्टिंग है, कपड़े को वॉश करने के बाद भी इसकी फ्रेग्रेंस नहीं जाएगी। तो मैं आप लोगों को हाईली रेकमेंड करूंगी कि आप इस परफ्यूम को इनफैक्ट प्लम के बॉडी लविंग रेंज के जितने भी परफ्यूम्स हैं उन सब को ट्राई करो, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे, मैं आप लोगों को हाईली रेकमेंड करना चाहती हूँ। और अब आते हैं मेरे नंबर वन, मेरे मोस्ट ऑल टाइम फेवरेट परफ्यूम के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ये है प्लम का बॉडी लविंग EDP ऑर्चिड यू नॉट परफ्यूम। ये परफ्यूम मुझे किस तरीके की फीलिंग देता है पता है, ये इसकी आउटर बॉक्स है और इनर पैकेजिंग इसकी इस तरीके की है। पहले मुझे फर्स्ट टाइम ये परफ्यूम कब मैंने इसे इस परफ्यूम को परचेज नहीं किया था, ये मेरी सेकंड बॉटल है, इसके पहले की जो बॉटल है वो मुझे मेरे प्लम के मैंने मिनी हॉल आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसमें मुझे फ्री प्रोडक्ट रिसीव हुआ था, तो मैंने इसे वन टाइम यूज किया और मैं इस परफ्यूम की फैन हो गई। इसमें से मुझे किस टाइप की फील आती है आपको पता है, पहले हमारे यहाँ पे US से UK से हमारी आंटीज वगैरह आती थी तो वो एक परफ्यूम हमेशा पहन के रखती थी, उस तरीके की इसकी फ्रेग्रेंस है, काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस, और अगेन इसकी भी फ्रेग्रेंस कपड़े वॉश करने के बाद भी काफ़ी दिन तक निकलती नहीं है, मतलब हल्की हल्की सी रह जाएगी लेकिन फिर भी इसकी फ्रेग्रेंस जो है वो रह जाएगी, और एकदम लग्जूरियस जो फॉरेन वाली आंटीज लगाती है या फॉरेनर लोग लगाते हैं वैसी इसकी फ्रेग्रेंस है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और एकदम माइल्ड फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। का MRP 295 rupees और 15 ml की क्वांटिटी है, लेकिन बिल्कुल वर्दी है इसका जो प्राइसिंग है, और अगेन आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो हर एक वेबसाइट पर मिल ही जाएगा, Amazon वगैरह सारी जगह पर प्लम के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, और मैं पर्सनली प्लम के बॉडी लविंग रेंज की फ़ैन हूँ, तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इसके सारे वेरिएंट्स के जो भी मिनी साइज परचेज कर ट्राई करो, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे और आपको और कोई भी परफ्यूम लगाने का मन ही नहीं होगा।
तो मेरा ये सारे परफ्यूम कलेक्शंस में से सबसे फेवरेट परफ्यूम जो है वो ये है, प्लम का बॉडी लविंग ऑर्चिड यू नॉट वेरिएंट का परफ्यूम, और मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी। अगर आप भी फ्रेग्रेंस टारगेटेड पर्सन हो, आपको फ्रेग्रेंस से एलर्जी है, तो इनमें से कोई भी परफ्यूम आप आंख बंद कर परचेज कर सकते हो, आपको बिल्कुल भी उससे हेडेक की प्रॉब्लम या कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था मेरा परफ्यूम कलेक्शन जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक दे देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, थैंक यू वेरी मच।